कल हमने आपको बताया था कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होता है वो एक्सेलरेशन जो जिसका डायरेक्शन सेंटर के अलोंग हो, नहीं सर्कुलर ट्रैक के। अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, ध्यान दीजिएगा, अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि उसकी वेलोसिटी नहीं बदल रही है, सॉरी उसकी स्पीड कांस्टेंट है। स्पीड कांस्टेंट हो और ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन में हो तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, स्पीड ना कांस्टेंट है, क्या वेलोसिटी बदल रही होती है? बिल्कुल, इसकी वेलोसिटी बदल रही होती है। कैसे? हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन अलग होगा, और आपको पता है कि जब वेलोसिटी अलग होती है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है। वेलोसिटी डिफरेंट का मतलब होता है वेलोसिटी का चेंज होना, और वेलोसिटी जब जब चेंज होगी तो एक्सेलरेशन होगा। तो वहां पे जो एक्सेलरेशन आता है उस एक्सेलरेशन को, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन आता है उसी एक्सेलरेशन को हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको एक्सेलरेशन तो दिखेगा, क्यों? क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसीलिए वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। क्लियर? तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहां कब आएगा? जब मोशन सर्कुलर होगा। सर्कुलर में अगर यूनिफॉर्म हो तो होगा, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब भी होगा, क्योंकि सर्कुलर तो है ना। मोशन सर्कुलर अगर है तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का तो होना जरूरी है ही। अब है कि तो भाई तब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बनाएगा कौन? तो भाई एक्सेलरेशन तो एक ही लोग बनाते हैं ना, वेलोसिटी में चेंज। तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तभी ना एक्सेलरेशन बनेगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड तो कांस्टेंट होती है, बदल रही होती है वेलोसिटी के डायरेक्शन, और वेलोसिटी बदलती है डायरेक्शन के बदलने की वजह से। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी क्यों बदल रही है? क्यों? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल रहा है, और वेलोसिटी के बदलने से जो एक्सेलरेशन आया है, वेलोसिटी के डायरेक्शन के बदलने से जो एक्सेलरेशन आया है उसे हम लोग कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो गया था? ये जनरली होता है ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी। अगर वहां पे शायद नहीं लिखे हैं क्या, वहां पे लिख लीजिए। तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन जहां पे लिखे थे वहां पे बस लिख लीजिए, ये रीजन क्या है इसका? ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज की वजह से, या वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज की वजह से, वेलोसिटी के डायरेक्शन में चेंज की वजह से, ड्यू टू चेंज इन वेलोसिटी या डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी क्यों बदलेगी? क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन बदला है, तो एक्सेलरेशन जो होगा वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा। ये क्लियर हो गया? और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्या अगर मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये मतलब होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है? स्पीड कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होगा? स्पीड कांस्टेंट नहीं। आप बताइए, अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो क्या मोशन सर्कुलर है? हाँ, हम बोल दिए ना सर्कुलर, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर बोले ना हम, क्या बोले? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोले हैं। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर है तो सर्कुलर तो है ही ना, है बोलो। बस नॉन यूनिफॉर्म मतलब हुआ स्पीड कांस्टेंट नहीं, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, स्पीड कांस्टेंट नहीं है, इसको बाद में बात करते हैं। सर्कुलर तो है ही, चाहे वो एक यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, अगर सर्कुलर होगा तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा ही होगा, सत्य है। क्योंकि सर्कुलर मोशन होगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, डजंट मैटर। आई बात समझ में? अगर मोशन सर्कुलर है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलेगा ही बदलेगा, और वेलोसिटी के डायरेक्शन के बदलने से जो एक्सेलरेशन आएगा उसको हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। तो क्या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगा? हाँ होगा। अब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा तो यहां पे स्पीड भी बदल रही है। अब क्या हुआ, वेलोसिटी दो लोगों की वजह से बदल रही है। एक वेलोसिटी बदल रही है वेलोसिटी के डायरेक्शन के बदलने से, और एक वेलोसिटी बदल रही है, वही वेलोसिटी जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है, नहीं तब यहां पे जो ये वेलोसिटी का डायरेक्शन, ये वेलोसिटी है ना बाबू, वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो रही है। ये जो चेंज हो रही है दो तरीके से, एक चेंज हो रही है क्योंकि इसका डायरेक्शन भी बदल रहा है, और एक चेंज हो रहा है इसका मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है। आई बात समझ में? तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में के बदलने की वजह से सेंटीपिटल एक्सेलरेशन आ गया।
अब वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बदलने से भी तो एक्सेलरेशन आएगा, इसी का नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आपको तब दिखने को मिलेगा जब मोशन आपका नॉन यूनिफॉर्म होगा। बाबू आई बात समझ में? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा। वेलोसिटी आपको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तभी दिखेगा जब सर्कुलर मोशन किस नेचर का होगा, नॉन यूनिफॉर्म का होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म होगा तभी स्पीड बदलेगी, और स्पीड बदलेगा तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बदलने से जो एक्सेलरेशन बनता है उसी का नाम टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है, जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन के अलोंग होगा। आई बात समझ में? तुम्हारे मन में एक सवाल आना चाहिए, सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो नहीं बदल रही है, इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन बताएगा, कौन बनाएगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कौन बना रहा है? वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में बदलने की वजह से। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल रहा है क्या? नहीं। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर नहीं बदलेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है, नहीं होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता है। आई बात समझ में? यूनिफॉर्म मोशन में नहीं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, नहीं होता है। रीजन समझ में आया? बोलो। गुड। बहुत सारी दो तीन बातें हैं, सारी बातें आज फाइनल हो जाएगी, कल पूरा कंप्लीट किए ही नहीं थे बात को ना, क्योंकि टेंजेंशियल बताएंगे तब ना आपको सेंटीपेडल और टेंजेंशियल दोनों में डिफरेंस और दोनों में सिमिलरिटी या रिलेशन समझ में आएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का काउ समझ में आया? जब मोशन हमारा नॉन यूनिफॉर्म होगा, स्पीड बदलेगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदलेगा, एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल कहलाएगा। तो इसीलिए इसका मेन काउज क्या है? स्पीड में चेंज की वजह से। स्पीड में चेंज की वजह से वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हुआ है नहीं, और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में जो चेंज होता है उसी वजह से एक्सेलरेशन आता है। बाबू समझे? यहां पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, स्पीड के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में जो चेंज आया, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज ये शो कर रहा है, यही हुआ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। समझे बात को? गुड। अब बताइए ये लीनियर वेलोसिटी है, रिलेशन आपको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा, यहां पे आप इसे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए v इक्वल टू आर ओमेगा, आर कॉन्स्टेंट है, रेडियस ऑफ ट्रैक d ओमेगा बाय dt। अब बताइए d ओमेगा बाय dt को क्या कहते हैं हम? अल्फा कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं, रिलेशन बन गया आपका। तो यहां पे जो वो रिलेशन आपने जो कल पढ़ा था नहीं, आर अल्फा वो तब होगा जब आपके पास अल्फा होगा, मतलब वो जो एक्सेलरेशन आया था वो टेंजेंशियल नेचर का होगा, पता है जिसका डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग होगा। तो वो एक्सेलरेशन, वहां तो जनरल एक्सेलरेशन की बात कर रहे थे ना हम लोग अभी, अब इस एक्सेलरेशन को तोड़ तोड़ के पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे जो डायरेक्ट, क्योंकि देखो ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या होगा, वेलोसिटी के अलोंग, और जो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के अलोंग एक्ट कर रही होगी वो टेंजेंशियल के नाम से जानी जाएगी। आई बात समझ में? जिसका फॉर्मूला आर अल्फा होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पेशली लिखाए थे क्या? नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल होता नहीं है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल नहीं होगा। ठीक है, अगर लिखे हैं तो काट लीजिएगा, वैसे हम शायद ऐसा पॉइंट करके तो नहीं लिखा है अब, क्योंकि हम लास्ट में लिखाने वाले हैं ये सब सारा पॉइंट, अब हम लिखाएंगे कि किसमें क्या होता है, किसमें क्या नहीं होता है, किसमें क्या कांस्टेंट होता है, किसमें क्या कांस्टेंट नहीं होता है, अभी हम बताएंगे आपको। अभी देखिए ये सब रिलेशन समझ में आया? तो सेंटीपेटल एक्सेलरेशन वेलोसिटी में के डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में भी दिखता है आपको, क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन में नहीं दिखेगा? बिल्कुल दिखेगा। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी के डायरेक्शन भी बदल रहा होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल रहा है, तो यहां दोनों एक्सेलरेशन अवेलेबल होगा आपके पास। आई बात समझ में? गुड, ये क्लियर हुआ। आगे बढ़े आप, देखो अब हम लोग दोनों मोशन को कंपेयर करते हैं, दोनों मोशन में क्या क्या चीजें होती नहीं होती। पहली बात करते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा। क्या कांस्टेंट होता है? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं बाबू। स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसका डायरेक्शन बदलता है, इसका डायरेक्शन चेंज होता है,
और डायरेक्शन चेंज हो गया तो भाई वेलोसिटी तो बदल ही गई ना। वेलोसिटी को बदलने के दो तरीके, या तो वेलोसिटी का डायरेक्शन बदल दीजिए, या तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बदल दीजिए, या तो दोनों बदल दीजिए। दोनों में से एक भी बदलेगा तो वेलोसिटी बदलेगा ही बदलेगा। श्योर, गुड। अब ये बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट होगा कि नहीं होगा, कॉन्स्टेंट होगा कि नहीं होगा। आइए देखते हैं, पहले चेक करते हैं, याद नहीं करना है, समझना है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चल रहे, देखो डायरेक्शन क्या होगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन ये होगा तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पे होगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर होगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन यहां पे होगा सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन इधर होगा, जब वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा सेंट्रीपिटल का डायरेक्शन इधर होगा। आई बात समझ में? आप बताइए कोई भी वेक्टर क्वांटिटी दो चीजों से बदलती है, या दोनों में से दोनों बदल जाए तो बदल देगी, या तो डायरेक्शन या तो मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की बात अभी फिलहाल हम नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अभी इधर था, मान लीजिए वेस्ट की तरफ, अभी साउथ की तरफ, अभी ईस्ट की तरफ, अभी नॉर्थ की तरफ, बदल रही है, बदल रही है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन बदल रहा है, इसका मतलब कॉन्स्टेंट नहीं होगा। नहीं, क्यों कॉन्स्टेंट नहीं होगा? क्योंकि इसका डायरेक्शन बदल रहा है। आई बात समझ में? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्ट कॉन्स्टेंट नहीं होता है, नॉट कॉन्स्टेंट। ये बात समझ पाए? कॉन्स्टेंट बोल रहे नहीं होगा। क्यों बदला, समझ गए? क्योंकि डायरेक्शन बदली, ड्यू टू चेंज डायरेक्शन, डायरेक्शन क्योंकि इसका बदल रहा है। डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्लियर है? हाँ। अब यहां पे ये बताइए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों बदला, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, ठीक है? आप ये बताइए हमें क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन था ना, क्या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड के बारे में क्या कहना पसंद करेंगे, बताइए? मैग्नीट्यूड बदले, बिल्कुल कॉन्स्टेंट होगा। सेंट्रीपिटल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसीलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है इसीलिए, ठीक है? तो ये क्या होता है बाबू, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा। ये बात पकड़ पाए? समझ रहे मनीष कुमार? बोलो, अभी और भी बहुत सारी बातें हैं, आइए हम लोग आगे बढ़ें। आप ये बताइए एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बाबू? बिल्कुल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। और कुछ? एंगुलर वेलोसिटी कैसे बदलना है, चलो ऐसे बात करते हैं। इसमें पांचवा पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। एंगुलर वेलोसिटी आप ये बताइए ये कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी, कांस्टेंट होगी कि नहीं होगी। आप ये बताइए एंगुलर वेलोसिटी, हाँ बाबू देखो, आप एंगुलर वेलोसिटी के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक v इक्वल टू आर ओमेगा है, या ओमेगा इक्वल टू थीटा बाय टी है, ठीक है? अगर मान लीजिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ध्यान रखिएगा, अगर मोशन यूनिफॉर्म है तो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यस और नो? आप ये बताइए, जैसे अगर मान लीजिए एक सेकंड में ये मान लो 20 डिग्री का एंगल बना रहा है, मान लो अगले एक सेकंड में बनेगा, अगले एक सेकंड में थीटा बाय टी कांस्टेंट नहीं आया, आया कि नहीं आया? ओमेगा कांस्टेंट हुआ, चलो इसको छोड़ो, v इक्वल टू आर ओमेगा, ये क्या है, स्पीड, स्पीड कांस्टेंट, रेडियस ओमेगा, अब ये वेलोसिटी है। इसको तुम लीनियर वेलोसिटी कहते हैं, जिसको तुम वहां पे स्पीड मानते हो, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी बदलती है, सॉरी हाँ, डायरेक्शन के चेंज होने, स्पीड के डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से, ये लीनियर वेलोसिटी है। v इक्वल टू आर ओमेगा स्केलर फॉर्म था ये, इसका वेक्टर फॉर्म बताए थे ना आपको, आई बात समझ में? बताइए ओमेगा, बिल्कुल ओमेगा कॉन्स्टेंट होगा, आई बात समझ में? ओमेगा क्या होगा, कॉन्स्टेंट, ओमेगा आपका कॉन्स्टेंट हो गया। ओमेगा अगर कॉन्स्टेंट हो गया तो भाई ओमेगा का मैग्नीट्यूड
कांस्टेंट मतलब समझ, अच्छा कांस्टेंट समझने का एक तरीका और है, देखो ओमेगा का मैग्नीट्यूड बताओ, तुमको ये मैग्नीट्यूड कांस्टेंट समझ में आया ना? अभी ये ओमेगा कांस्टेंट है, रहने दो, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, यहां से ये क्लियर हुआ ना? मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, अगर डायरेक्शन नहीं बदली तो कांस्टेंट ओमेगा भी होना चाहिए ना। अब बताइए जब मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है तो ओमेगा हमेशा इसी डायरेक्शन में पॉइंट नहीं करेगा, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट ही है, डायरेक्शन बदल ही नहीं रहा है, क्यों ओमेगा बदलेगा? आई बात समझ में? नहीं ऐसे समझो, ऐसे समझो, एक ही बात है, मैग्नीट्यूड ओमेगा का बदलेगा नहीं, यहां से ओमेगा का मैग्नीट्यूड आएगा ना, यहां ये भी आपको मैग्नीट्यूड दिया, ये भी मैग्नीट्यूड दिया, चलो मैग्नीट्यूड नहीं बदला, मतलब मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। आइए डायरेक्शन, ओमेगा का डायरेक्शन इस सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कभी बदलेगी क्या? नहीं बदली, तो ओमेगा भी आपका कांस्टेंट हुआ। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है, अब यहां पे ये बताइए टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कौन बनाता है? ओमेगा, ओमेगा में चेंज होगा, ओमेगा में चेंज होगा तभी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बनेगा। आप बताइए क्या ओमेगा में चेंज हो रहा है? भाई कांस्टेंट है, ऐसे भी समझ सकते हैं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन आपका जीरो होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है ही नहीं क्योंकि ओमेगा में चेंज हुआ ही नहीं। आई बात समझ में? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहां पे अनअवेलेबल होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यहां पे आपका अनअवेलेबल होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में क्या इरादा है आपका? अल्फा, सोच के बताओ, एंगुलर एक्सीलरेशन है ये, सोचो अल्फा, अल्फा को किसने बनाया, अल्फा को किसने बनाया? डी चेंज इन ओमेगा हुआ क्या? नहीं, अल्फा इस केस में एंगुलर एक्सीलरेशन भी अब्सेंट हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन भी, क्योंकि एंगुलर एक्सीलरेशन कौन बनाएगा? ओमेगा में चेंज, ओमेगा में चेंज हुआ नहीं, सॉरी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कौन बनाएगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन बनाता है वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज, सॉरी स्पीड के मैग्नीट्यूड में चेंज, स्पीड का मैग्नीट्यूड बदल नहीं रहा है, ये भी हो गया। या चलो ये तुमको नहीं पता टेंजेंशियल क्या है, रहने दो, वैसे यहां पे टेंजेंशियल तो होता ही नहीं, रहने दो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होगी और स्पीड जब तक नहीं बदलेगी तब तक टेंजेंशियल आता ही नहीं है, ये हो गया। अब देखो हाँ, इससे तुम्हें ये भी प्रूफ हो जाएगा, ऐसे अल्फा तो तुम्हें समझ में आया कि जीरो होना है, आप चाहो तो इसे प्रूफ भी कर सकते हो। देखो आपको पता है कि ए टी इक्वल टू होना है क्या, ए टी इक्वल टू आर अल्फा, अगर ए टू जीरो तो आर तो कॉन्स्टेंट ही, अल्फा भी जीरो होगा ना, समझे बात को? ये कुछ बातें हुई जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होनी है, आई बात समझ में? और नॉन यूनिफॉर्म में इसी के बेसिस पे आप नॉन यूनिफॉर्म भी समझ सकते हैं। सारा पॉइंट क्लियर हो गया, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के रिगार्डिंग, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट होती है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है, वेलोसिटी का डायरेक्शन बदलता है जिस वजह से सेंटीपेटल एक्सीलरेशन आता है, सेंटीपेटल एक्सीलरेशन कांस्टेंट नहीं होता है, इसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, सेंटीपेटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन बदलता है। आई बात समझ में? ओमेगा कांस्टेंट होगी, ओमेगा का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होगा, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन अब्सेंट होगा और एंगुलर एक्सीलरेशन भी अब्सेंट होगा। अब इसे नोट कर लीजिए, करेंगे सवाल, नोट कर लिए क्या, ऐसे कर लिए हैं सवाल, कर ले, आइए देखो सवाल आसान है, आप लोगों ने ट्राई किया भी होगा और बन भी गया होगा। एक कार है अलोंग अ सर्कुलर कर्व दैट हैज अ रेडियस 64 मीटर, समझिएगा एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका रेडियस 64 मीटर है, ठीक, एंड इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, और इसकी जो स्पीड है बाबू इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अच्छा इसकी स्पीड भी दे रखी है हमें बाबा, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड दे रखा है बाबू, इसको हम लोग वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड कहते हैं, वो कितना दे रखा है 16 मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड इंक्रीज हो रहा है इसका क्या मतलब हुआ, स्पीड इंक्रीज मतलब इसके पास टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, स्पीड बदल रहा है मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है बाबू,
मतलब इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कितना है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ कार। अच्छा एक मिनट रुको, एक चीज और बात ही कर लेते हैं, रुको जरा एक सेकंड और बात कर लेते हैं एक पॉइंट पे, एक सेकंड और इसे मिटाए। देखो अब है क्या कि अगर मोशन में, सर्कुलर मोशन में स्पीड बदल रही हो तो दोनों एक्सेलरेशन होगा, तब हम लोग किस एक्सेलरेशन की बात करेंगे हमेशा, नेट, हाँ या ना, नेट की बात करेंगे ना। जब भी मोशन नॉन यूनिफॉर्म होगा उस केस में आपको नेट एक्सेलरेशन की बात करनी पड़ेगी, नहीं अगर यूनिफॉर्म होगा तब तो इसके पास सेंटीपिटल एक्सेलरेशन ही है, लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसके पास सेंटीपिटल भी होगा और टेंजेंशियल भी होगा, तो हम लोगों को हमेशा यहां पे नेट एक्सेलरेशन की बात करनी पड़ेगी। तो नेट एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन नहीं, देखो मान लीजिए स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है तो इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा नहीं और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक। आप ही बताइए नेट एक्सेलरेशन दो वेक्टर का सम, बस, तो ये हमेशा नेट एक्सेलरेशन से चलेगी और ये हो गया आपका ए नेट, जो आप कैसे निकालेंगे सिंपल सा है, ए नेट इक्वल टू क्या होने वाला है आपका, ए नेट इक्वल टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, क्योंकि ये भी वेक्टर होगा तो डायरेक्शन डायरेक्शन कुछ होगा ही ना इसका, मान लीजिए ये एंगल थीटा है तो बताइए इसका डायरेक्शन कैसे निकालोगे भाई, सीधी सी बात है टेन थीटा निकाल लीजिए, टेन थीटा डायरेक्शन के लिए नहीं, डायरेक्शन के लिए आपको टेन थीटा निकालना पड़ेगा, टेन थीटा बराबर यहां से क्या हो जाएगा भाई, देखो तो जरा टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस मतलब ए टी बाय ए सी कर लीजिएगा, यहां से आपको टेन थीटा भी आ जाएगा, सही है ना, परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ सही है, यहां से आपको डायरेक्शन भी आ जाएगा, नॉर्मल बात है। तो जब भी हम लोग नेट स्पीड बदल रही होगी तो उस वक्त हम लोग नेट एक्सेलरेशन की बात करेंगे और निकलेगा कैसे, तरीका आपके सामने है, नोट कर लिए इसे, कर लिए हैं, करिए अब बनाइए सवाल। अब देखो क्योंकि ये स्पीड चेंज हो रहा है ना, स्पीड इसकी चेंज हो रही है यूनिफॉर्मली, इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, मतलब इसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इस वाले मोशन में स्पीड इसकी है कितनी 16 मीटर पर सेकेंड, जो कि बढ़ रही है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से। हमसे पूछा गया कि भाई इसका नेट एक्सेलरेशन बताओ, तो नेट इस केस में तो टेंजेंशियल सेंटीपिटल भी होगा, तो सेंटीपिटल तो पहले निकालोगे तब ना, तो सेंटीपिटल कैसे निकालोगे, देखो सेंटीपिटल का तो हमारे पास वी स्क्वायर बाय सिंपल आर कर दीजिए, वी का वैल्यू कितना है 16 × 16 बाय आर का वैल्यू 64, 16 × 64 4 × 16 कितना हुआ 4, आई बात समझ में, ये 5 आएगा, अच्छा हाँ ये 4 आ गया। अब बताओ ए नेट कितना आएगा बाबू, ए नेट आ जाएगा आपका स्क्वायर रूट, इधर 4 आया ना और इधर देखो ये एटी ए सी है आपका 4 और एटी है 3 है ना, तो नेट क्या आएगा, नेट आएगा इन दोनों का सम कितना 4² + 3² कुल मिला के 5, ये हो जाएगा तुम्हारा 25 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। अब सुनो डायरेक्शन भी तो इसका कुछ होगा, मान लेते हैं ये थीटा, अब बताइए टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा अभी भी बताए एटी, एटी मतलब 3 बाय 4 तो 3 बाय 4 तो अभी लगता है थीटा कितना हो जाएगा 37 डिग्री, मतलब जो नेट एक्सेलरेशन होगा वो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन से 30 डिग्री पे नहीं टेंजेंशियल की तरफ होगी 37 पे, क्लियर था, आसान सवाल है, गुड नोट कर लीजिए और अगले सवाल को बनाइए। देखो बनाने से पहले पहले एक बात समझ लो, देखो बाबू अगर कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर ट्रैक पे चल रही होगी विथ चेंजिंग स्पीड तो ये डायरेक्शन हो जाएगी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की और ये डायरेक्शन हो जाएगी सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की और ये हो जाएगा आपका इसके बीच में कहीं भी
नेट एक्सेलरेशन होगा। अगर मान लीजिए चाहे ये एंगल थीटा हो तो आप कह सकते हैं AT इक्वल टू, इसको भी नोट कर लीजिएगा कहीं पे, AT इक्वल टू गुड A साइन थीटा, नहीं इसका साइन कंपोनेंट, और ये वाला AC कितना हो जाएगा, A cos थीटा। नॉर्मल बात है, मतलब ये वेक्टर रिजॉल्व हुआ है दो डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में ए साइन थीटा और इस डायरेक्शन में ए कॉस थीटा। ये कोई फॉर्मूला नहीं, आप रिजोल्यूशन देख लीजिएगा, हो सकता है एंगल यहां से पता हो, कोई दिक्कत नहीं। आई बात समझ में, यही कंसेप्ट लगा है इस पे, इसको भी नोट कर लीजिए और अब बनाइए। हाँ रूट में सिर्फ रूट बता दीजिए, कितना रूट कितना आया है, आओ मिलके सॉल्व करते हैं बाबू। सिंपल सी चीजें हैं, आपको यहाँ पे क्या क्या दे रखा है सर, आपको नेट ए दे रखा है, ध्यान देखो नेट एक्सेलरेशन दे रखा है कितना, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको इसके बीच का एंगल भी दे रखा है, तो आप आराम से यहाँ पे, और रेडियस भी कितना है 2.5 मीटर। हमें निकालना है स्पीड ऑफ पार्टिकल, हमें वी निकालनी है, वी इक्वल टू आप अल्फा अल्फा कुछ भी निकाल सकते, तो आराम से आ जाएगा। एक काम करते हैं हम लोग सेंटीपीटल एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि पता है सेंटीपीटल एक्सेलरेशन में भी स्क्वायर बाय आर होता है, सेंटीपीटल तो वहां से सीधा सीधा भी आ जाएगा, तो सेंटीपीटल एक्सेलरेशन यहां पे बताए थे अभी भी, देखो ये है सेंटीपीटल ना, तो इसका ये वाला कंपोनेंट यानी ए कॉस 30, ए कॉस 30, ए का वैल्यू 15, कॉस 30 का वैल्यू रूट 3/2 आ गया बस। अब इसी को आपको सॉल्व करना है, आपको पता है कि AC इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय आर, तो वी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आर टाइम्स ऑफ ए सी, आर का वैल्यू कितना है 2.5 और ए सी का वैल्यू कितना 15 इंटू रूट 3/2। इसको कैसे सॉल्व करें ना, अच्छा 2.5 इंटू 15, रूट 3 का वैल्यू 1.732/2। अब इसी का स्क्वायर रूट करना है आपको, इसको स्क्वायर रूट करने के लिए आप आराम से एक काम कर सकते हैं कि कट्टो कट्टो कुछ होगा तो करवाओ, पहले 25 5 3 5 2 जा, देखो 25/4 तो साक्षात आ रहा है आपका, बोलो 25/4 तो साक्षात आ रहा है, और बच क्या गया आपका 3 इंटू रूट 3, मतलब 1.732। देखना इसका वैल्यू तो अप्रोक्स चाहिए ना हमें, बोलो अब बताओ v का वैल्यू यहाँ पे, ये बताइए v कितना आ जाएगा, v का वैल्यू 5/2 तो आना ही है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन बता रहे कैसे करना है, 5/2 आना ही है, और ये बच जाएगा आपका रूट, इसको जब आप मल्टीप्लाइड करिएगा तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो तो 3 2 जा 6, नहीं 3 3 जा 9, 7 3 जा 21, और 5.196 आएगा। आप इसे बताइए, हाँ अब ये बताओ ये वैल्यू कितना होगा, 2.5 इंटू, चलो ऑप्शन टिक करते हैं, इसका क्या वैल्यू एडजेक्ट 5 होगा, इसका वैल्यू एडजेक्ट 2 होगा, पॉसिबल नहीं है, गलत होगा, तो 2 से ज्यादा होगा, 2 से कम तो नहीं है ना, होगा 2 से ज्यादा होगा, यानी कम वाला भी खत्म। अब 2 बचता है, 6 है 36, बताओ तो लगता है, तब ऑप्शन देने का मतलब ये था ना कि थोड़ा ऐसे एनालिसिस भी कर सको। आई बात समझ में, जो भी होगा इसका वैल्यू 5 समथिंग ही होगा ना रे, 5 समथिंग वाला आंसर 5.0 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो 2 आने वाला है नहीं, समझे कैसे करते हैं, इसलिए कैलकुलेशन जब डाटा रफ हो तो बुद्धि का प्रयोग किया करिए, समझ गए, नोट कर लीजिए। पहले इसे ट्राई करते हैं, द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 वेरीज विथ v, देखो स्पीड बदल रही है कितना टी स्क्वायर। आप हमें ये बताइए कि सेंटीपीटल एक्सेलरेशन जो होता है, देखो इसमें रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग कहते हैं टेंजेंसी, ये जो रेडियल हो या कहां गया, अच्छा रेडियल हो, एक और इसका नाम है रेडियल हो गया, सेंटीपीटल हो गया, ये सब सब एक ही नाम है, समझे, हाँ ये एक ही है, रेडियल दोनों एक ही है, एक के बात है। आप आराम से एक काम कर लीजिए, पहले बी स्क्वायर बाय आर से, देखो आपको रेडियल निकालना हो तो आपको बी स्क्वायर बाय आर करना पड़ेगा ना, आपको पता है कि ये जो रेडियल होता है वो बी स्क्वायर बाय आर होता है,
आप आराम से क्या कर लीजिए, टी बराबर, अच्छा नहीं दे रखे हैं क्या, कब फाइंड करना है? ओ फाइंड इतना कब, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, हाँ 2 सेकंड में फाइंड करना है। नहीं तब तो सीधा सीधा रेडियल तो आपका आ ही गया, कितना वी स्क्वायर, मतलब टी स्क्वायर करिएगा ना, वी इसके लिए कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाय आर, पहले वी निकाल लीजिए इसके लिए, इसके लिए वी का वैल्यू कितना हो जाएगा, वी के लिए हाँ वी आ जाएगा, वी टी पुट करोगे ना, टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर मतलब 4, तो 4 बाय 4 नहीं, 4 का स्क्वायर, वी 4 ना आया, तो 4 स्क्वायर बाय आर का वैल्यू कितना है 2, तो ये हो जाएगा आपका 16 बाय 2 मतलब 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान है। अब हाँ अब टेंजेंशियल पहले निकाल लो, टेंजेंशियल निकाल लो, टेंजेंशियल कितना आएगा, डी वी बाय डी टी, हमें कैसे निकालोगे, हाँ कितना आया, आया कितना बताओ, या इसको डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हो क्या, तो डी टी स्क्वायर ये भी 8 आएगा, नहीं बाबू है, देखो क्या होगा इसका, ये कितना आ जाएगा बाबू 2t, तो बताइए 2 सेकंड पे ना, एट टी इक्वल टू 2 सेकंड, 2 सेकंड पे at कितना होगा, 2 × 4 मीटर पर सेकंड, तब 4 × 2 क्यों होगा, आर इंटू हाँ ओमेगा कितना आया, वी वेक्टर फॉर्म यूज करोगे फिर वही बात, ये वेलोसिटी नहीं है रे पगले, स्पीड है, उससे करोगे 8 आया ना, गलत आया ना, देखो 4 आ रहा है, आई बात समझ में। अब बताइए रेडियल आ गया, टेंजेंशियल आ गया, नेट तो आपको पता ही है कि ए नेट कितना होता है, ए नेट होता है स्क्वायर रूट ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 4 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 64 प्लस 16, कुल मिला के आ गया रूट 80, हाँ 80 मतलब 4√5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप चाहे तो इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो, ठीक है, इसे कैसे करिएगा, ये भी उसी तरह से है, अच्छा इसमें भी टाइम देना पड़ेगा, हाँ इसमें भी टाइम हो गया, टी एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, सेम सवाल है क्या, बन जाएगा, इसे घर में बना लेंगे, आसान है, आज क्वेश्चन जाएगा, इसे होमवर्क रहेगा, ये होमवर्क कर देते हैं, सेम फॉर्मेट पे बेस्ड है ये, इसमें बस वेलोसिटी है, यहाँ पे ओमेगा दे रखा है, इसे ट्रैक करिएगा, ठीक है, बन जाएगा नहीं ये वाला, आसान है, चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में सेंटीपेटल फोर्स वाले कंसेप्ट को लेके, ठीक है, टॉपिक चेंज होगा, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।